ये गुलगुला बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी और 1 कप दूध ले लिया था, और उसके अंदर ये गेहूं का आटा डाला है और सौंठ डाली है, और इसको 10 मिनट रेस्ट दे दिया था, और इस तरह से बढ़िया सी स्मूथ पेस्ट बना दी है। और इसके अंदर अब एकदम पिंच सोडा डालेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे ताकि अपना सोडा बढ़िया सा एक्टिव हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से गुलगुले उतारते हैं। ऑयल को अपने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये चेक करते हैं ऑयल अपना हो गया है, और ये थोड़ा सा पानी वाला हाथ करके फिर ये गुलगुले तलेंगे, छोटे साइज के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करें नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बस इस तरह से गुलगुले सारे तेल में डालते रहें, और जब ये घोल हाथ में से जल्दी ना गिरे तो थोड़ा सा पानी वाला हाथ कर लें। तो बस इस तरह से अपने सारे गुलगुले डाल देते हैं। ये गुलगुले को अपने फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। अब अपने इसको थोड़ा सा पलटेंगे ताकि ये जले नहीं, और आंच को कर देते हैं मीडियम, और ये मीडियम आंच पे इसको होने देंगे। एक बैच को होते हुए लगभग 5-7 मिनट लगेगा, और बस इसको बढ़िया सा स्लो आंच पे सिकने देते हैं। और अब अपने ये गुलगुले बढ़िया से हो गए हैं, इसको निकाल देते हैं, और ये टेस्ट में एकदम गुलाब जामुन जैसे लगेंगे क्योंकि अपने इसको दूध के अंदर इसका घोल रेडी किया हुआ है। बस अब निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे गुलगुले बढ़िया से छल के रेडी हो गए हैं छल के, और हम अपने इसको टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि इसके अंदर का तेल, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अपने ये सारे गुलगुले इतने ही बनाए हैं, तो बनके रेडी हो गए, रेडी टू सर्व, गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। अब मेरे सारे ब्रेड पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं, और ये देखिए रेक्टेंगल शेप है, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप है। सिंपल मिर्ची को फ्राई किया है और बेसन में भी मिर्ची फ्राई की है, साथ में आलू बड़े और गुलगुला भी बनाया है, और इसको सर्व करेंगे प्याज जिसके अंदर नमक मिर्ची भी और नींबू डाला है। ये है इमली की चटनी, और ये बढ़िया सी दही इसके अंदर डाल दें, इमली की चटनी के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बस एंजॉय करते हैं बढ़िया सा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। आप भी बनाए खाएं खिलाएं है बनाए इसे। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।